ये आपको दिखाते हैं किसने कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि आपने राष्ट्रपति का तो देख लिया, उन्होंने 5,01,000 रुपए दिए, लेकिन धन वर्षा तो गुजरात से हो रही है। एक हीरा व्यापारी ने तो 11 करोड़ रुपए दिए हैं इस चंदे में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब कितना दान कर रहे हैं देखिए। राम मंदिर के लिए योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपए दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया है। हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। राम मंदिर के लिए मुरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने 51,000 रुपए का दान दिया। जी हां, मंदिर को चंदा देने वालों में ये तो वीआईपी नाम है, लेकिन देश में राम भक्तों की तादाद कम नहीं है, और इन्हीं भक्तों में से एक हैं गुजरात में सूरत के हीरा व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया। श्री राम के उद्घोष के साथ गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल की मौजूदगी में गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का चेक राम मंदिर के नाम दान दिया। भगवान का था, भगवान को समर्पण किया है, तो ये समर्पण भाव है, क्योंकि भगवान ने, हम तो एकदम कृषि किसान पुत्र है, और मैं 13 साल की उम्र में सूरत गया था, और भगवान ने, मैं 6 साल तो वर्कर का काम किया, पहला पगार मेरा 103 रुपीज का था, आज 10,000 करोड़ का कारोबार हो गया, ये भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के, तो भगवान का था तो भगवान को समर्पण किया। हम आपको बता दें कि गोविंद भाई ढोलकिया सूरत में हीरा के व्यापारी हैं और रामकृष्ण डायमंड के मालिक हैं। सालों से आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। साल 1952 में हुई राम मंदिर की पहल में भी गोविंद भाई जुड़े हुए थे। सूरत के ही एक बिजनेसमैन महेश कबूतरवाला ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। गुजरात के एक और व्यापारी लवजी बादशाह ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही कई ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने 5 से लेकर 21 लाख रुपए भी दिए हैं। बीजेपी के गोवर्धन झड़फिया और बीजेडी कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पटेल ने भी राम मंदिर के लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार को राम मंदिर के निर्माण के चंदे के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र भी शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, और इसी कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। सुरेंद्र सिंह ने 1,11,11,100 रुपए दिए। मैं भारतवर्ष से प्रेम करता हूँ, मैं भारतवर्ष के धर्म से प्रेम करता हूँ, मैं हिंदुत्व से प्रेम करता हूँ, हिंदुत्व के गौरव से प्रेम करता हूँ, इन सब को लेकर के, और चूंकि हमारे परिवार की परंपरा रही है दान की परंपरा, उस परंपरा को कायम रखते हुए, और ऐसा नहीं है कि ये 1,11,00,000 हमने आज तक अपने दान का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है, हमने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तक दान दिए हैं एक एक संस्था को। यूपी के चंदौली में भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस दौरान अलग अलग टोलियां बनाकर अलग अलग इलाकों में इसकी शुरुआत की गई। वीएचपी ने पूरे चंदौली जिले से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। यह हमारा चंदौली जिले में निधि समर्पण का जो कार्यक्रम चला है, ये चंदौली जिले में 5 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, और इससे भी ज्यादा हम लोग, हो सकता है भगवान की कृपा रही तो हम कल समर्पण राशि इकट्ठा कर लेंगे, और यह राशि हमारी ट्रस्ट को जाएगी, और ये राशि वहीं पे अयोध्या के पूरे मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या के विकास में खर्च होगी। तो ऐसा लगे कि ये राम की अयोध्या जो हम लोगों ने कल्पना कर रखी है सनातन धर्म में, साकार दिखेगी, राम की अयोध्या इस समय ऐसी रही। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत बिहार में भी हो चुकी है।
15 जनवरी से 27 फरवरी तक घर घर जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। बिहार में इसका शुभारंभ गायत्री मंत्र के साथ हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी शामिल हुए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज से पूरे देश में समर्पण निधि संग्रह का अभियान प्रारंभ हो रहा है और इसी क्रम में आज पटना में 18 स्थानों पर इस अभियान की शुरुआत हो रही है और 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक इस देश के 21 करोड़ से ज़्यादा हिंदू परिवारों के घरों में सभी विभिन्न संगठनों के जो कार्यकर्ता वो जाएंगे और इस मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करेंगे। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि इस मंदिर के निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होगा, न ही विदेशों से धन दिया जाएगा। यूपी से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली में वीएचपी ने राम मंदिर के चंदे की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रणीता सुभाष ने भी लोगों से राम मंदिर के लिए दान देने की अपील की है। This is a moment we've all waited for, and I seem to see that a lot of Hindus across the nation are really excited to contribute to this historic movement, and I'm just a part of those thousands of Hindus. राम भक्त इस शुभ घड़ी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वीएचपी संघ और कई हिंदू संगठन राम मंदिर के इस चंदा अभियान में जोर शोर से जुट गए हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।